गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमी ने दावत पकाई, सुना होगा, 9 के घर जाके खाना खाया। कुछ तो कहते हैं कैसे हो सकता है, जो आपको चाहने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है, पता उनको भी नहीं कैसे हुआ है। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास, और वो जिस्म के अंदर की चीजें उधर जाके खाना खा रही थी। अगर खाना खाया होगा, बैठी भी होंगी, उठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, और जिसमें उठने बैठने और बातों की ताकत है, नमाज में यही कुछ है। हो सकता है उनकी नमाज खाना काबा में होती है, और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अर्श मौला में होती है, एक दरवेश ने कहा कि दरवेश की नमाज अर्श मौला में होती है, मौलवी साहब डंडा लेके उसके पीछे भागे, ओ मैं तो दीवार इसके ऊपर नहीं जा सकता, तू अर्श मौला में कैसे जाता है? वो ये जिस्म अर्श मौला में नहीं जाता है, वो जो जिस्म के अंदर की चीजें वो अर्श मौला में जाती हैं। अब गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में था तो वो आजाद थी, कब्र में चला गया जिस्म मुबारक तब भी वो आजाद है ना, और उस वक्त भी अर्श मौला में नमाजें पढ़ती थी, और अब भी पढ़ती हैं, और क्यामत तक पढ़ती रहेंगी। तो सवाब किसको मिलेगा? जिसकी है।